दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि FM व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर आप अपना खुद का फोटो आप कैसे सेट कर सकते हो। और दोस्तों इस FM व्हाट्सएप में बहुत सारे ऐसे कमाल के फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कोई भी बंदा जब यहाँ पर ऑनलाइन आ रहा तो हमें नोटिफिकेशन मिल रहा है। और यहाँ पर सबसे अच्छा लुकिंग मेरे को ये दिख रहा है कि हरा कलर का जो बिंदु आ रहा है और यहाँ पर ऑनलाइन दिख रहा है और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो भी आएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सबसे इसमें जो है कमाल की ये बात है कि कोई भी बंदा जब आपको हाई हेलो करता है, कोई फ़ोटो भेजता है कोई, तो जैसे वो डिलीट करेगा तो वो यहाँ से डिलीट नहीं होगा, वो उसका वहाँ से डिलीट हो जाएगा बट यहाँ से जो है डिलीट नहीं होगा। और तो दोस्तों अगर आपको भी ये व्हाट्सएप अगर डाउनलोड करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख के तुरंत से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि इस FM व्हाट्सएप में जो है होम स्क्रीन पर अपना खुद का फ़ोटो कैसे सेट करता है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों ऊपर में 3 डॉट आपको मिल जाता है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे FM मोड्स पर आपको क्लिक कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक यूनिवर्सल का ऑप्शन मिलता है तो उस पर आपको टैप कर लेना है। जैसे टैप कर लेंगे सबसे ऊपर में एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कलर्स, उस पर आपको क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आपको और यहाँ पे तीसरा नंबर पे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन, उस पर आपको जो है क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे आपको फ़ोटो सेट करने के लिए यहाँ पे आपको फ़ोटो का ऑप्शन मिल जाता है तो फ़ोटो पे आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे आपको फ़ोटो पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको जो भी फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं अपना खुद का किसी का भी, तो चलिए मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए एक कोई भी फ़ोटो जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद आपको क्या करना है सेट वॉलपेपर पर आपको क्लिक कर लेना। और यहाँ पे आपको बैक करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा सक्सेसफुली जो है हमारे FM व्हाट्सएप होम स्क्रीन पर जो है सेट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे फोटो सेट करने के बाद अगर आपको लगता है कि जो हमारा पहले होम स्क्रीन था उसी तरह को करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपको सेम प्रोसेसिंग वही करना है, आपको 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है और FM मोड्स पर आपको चल जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एक यूनिवर्सल का ऑप्शन मिलता है उसमें आपको टैप कर लेना है। जैसे टैप करेंगे सबसे ऊपर में एक कलर का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको टैप कर लेना है। टैप जैसे करेंगे यहाँ पर और एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा नीचे पर 3 नंबर पर बैकग्राउंड, उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में एक सॉलिड कलर्स मिलता है, उस पर आपको टैप कर लेना है। और यहाँ से दोस्तों यहाँ पर कुछ अलग कलर रहेगा तो आपको जो यहाँ से आपको व्हाइट कर लेना है, जो भी आप करना चाहते हैं तो आपको मैं पहले का जैसे कर, और न्यू कलर पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको पूरा बैक होके हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो है मेरा पहले का जैसा जो हो चुका है, वहाँ से जो है होम स्क्रीन से जो फ़ोटो हट चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप फोटो को अपने व्हाट्सएप होम स्क्रीन में सेट भी कर सकते हो और जो है हटा भी सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।